ताजा घडामोडींसाठी महाराष्ट्र क्राइम स्पॉटला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा. दुकानामध्ये ग्राहक बनून आलेल्या चोरट्याने दुकानातील मोबाईल केला लंपास. घटना सीसीटीव्ही मध्ये कैद. उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. उल्हासनगर विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून पोलीस प्रशासन या चोरांना पकडण्यात अपयशी ठरताना दिसून येत आहेत. अशीच एक घटना उल्हासनगर मध्ये घडली आहे. उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक 4 विनत चौक नागमंदिर परिसरातील रोज टेनी लेडीज शॉप मध्ये मोबाईल चोरल्याची घटना घडली आहे. चोरीची संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली आहे. चोरटा हा ग्राहक बनून आला व दुकानातील साहित्यांची मागणी करत दुकानातील तरुणीचे लक्ष दुसरीकडे वळवत तिचा मोबाईल घेऊन चोर पसार झाला. वो आया पहले कस्टमर बनकर, फिर बोला मुझे राउन दिखाओ. तो राउन दिखाया उसको, तो फिर बोलता है ब्रा भी लेना है, पैंटी भी लेना है, नो नो पीस लेना है. फिर सब निकलवाया, फिर राउन देखा और काउंटर पे मोबाइल पड़ा था तो उस पर राउन रख दिया उसने. फिर मुझे उधर भेजा ये दो इसलिए. फिर राउन से मोबाइल, राउन के नीचे से मोबाइल निकल के चला गया. बोलता है पीस लेके आता हूँ एक, और फिर चला गया तो आया ही नहीं. या घटनेचा गुन्हा विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला असून विठ्ठलवाडी पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. सर ऐसे है, मेरा नाम लाल वासवानी है और यहाँ का मैं प्रोपराइटर हूँ. और मैं शाम को घर में खाना खाने गया था. खाना खाने के बाद जब आया तो लड़की रो रही थी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है. पता चला जब हमने फुटेज देखा तो उसमें पता चला कोई कस्टमर आया था हमारे पास ग्राहक बन के, और उन्होंने बातों बातों में उनका मोबाइल उठा लिया है. करीब 5 से 5:30 के बीच में ही हुई है ये. पुलिस कंप्लेन की हुई है और लड़की पहले पता नहीं था लड़की को. जब हमने फुटेज देखा तो हमारे दुकान से ये मोबाइल चोरी हुआ है. प्रतिनिधि कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर. तूर्तास वेळ झाली आहे इथेच थांबायची. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रासह. धन्यवाद.